मैं चित्रा आप सबका नव भारती स्कूल में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 1.2 पढ़ेंगे, जिसमें है 1.1.2 और बाइजेक्टिव। वन वन क्या होता है कि कोई फंक्शन है f, जिसे हम x से y में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। वो डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें जो x होता है उसके जो एलिमेंट होते हैं वो y में एक ही इमेज बनाए, कोई भी अलग अलग मतलब कोई भी दो एलिमेंट एक मिस ना बनाए, मतलब इसकी दो एलिमेंट कोई एक इमेज ना बनाए। जैसे ये है, ये 1.1 नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये जो 1 एलिमेंट है इसकी क्या बन रही है, 2 इमेज बन रही है इसकी, ए भी बन रही है और सी भी, तो ये हमारा 1.1 नहीं होगा। 1.1 तब कहलाएगा कि हमारी जो इमेज है एक्स की वो डिस्टिंक्ट हो, यानी कि एक ही हो। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, f(x1) = f(x2) लेके चलते हैं, तो हमारे पास आना चाहिए x1 = x2, ठीक है। और हम इसको मैनीवन भी बोलते हैं, मैनीवन तब बोलते हैं जब हमारे पास जैसे सेकंड ग्राफ है, जब इसमें 1 और 2 दोनों की ही इमेज क्या है, कॉमन है। बी जब किसी दो की इमेज कॉमन हो तो उसको बोलते हैं मैनीवन, अगर सबकी अलग अलग इमेज होती है तो हम उसको बोलते हैं 1.1, ठीक है। और मैनीवन होती है तब किसी दो की एक इमेज हो, दो से ज्यादा की भी एक इमेज हो सकती है, उसको भी हम मैनीवन बोलेंगे। अभी ग्राफ है, इसमें देखो इसमें आएगा x1 ले गया, इसमें 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, x2 है, a b c d e f, तो 1 की इमेज a है, 2 की इमेज b, 3 की d, 4 की c, यानी सबकी अलग अलग इमेज बन रही है, तो इसको हम बोलेंगे 1.1। सेकंड देखेंगे इसकी 1 की इमेज b है, 2 की इमेज b, 3 की c, 4 की d, तो यहाँ पर जो 1 और 2 है इन दोनों की कॉमन इमेज b है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे मैनीवन। थर्ड ग्राफ में देखेंगे 1 की इमेज a, 2 की इमेज a, 3 की इमेज b, 4 की इमेज c, तो 1 और 2 दो एलिमेंट की इमेज क्या बन रही है, a, यानी कि दो को अलग अलग एलिमेंट की एक कॉमन इमेज बन रही है, तो इसको हम बोलेंगे मैनीवन। फोर्थ ग्राफ में देखेंगे 1 की इमेज b, 2 की इमेज c, 3 की इमेज a, 4 की d, यानी सबकी अलग अलग इमेज है, तो ये क्या कहलाएगा, 1.1, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट डेफिनेशन है कि कोई फंक्शन है f, वो x से y में डिफाइन किया गया है, उसको हम ओनटू बोलते हैं, और ओनटू को ही हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब हमारे पास ये x है और ये y है, फंक्शन x से y की तरफ डिफाइन किया गया है, ठीक है, फंक्शन x से y की तरफ डिफाइन किया गया है, तो जो ये y के एलिमेंट है उनकी सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि y के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए x में, उसको हम लिखते हैं f(x) = y, ठीक है। इसे यहाँ पर ग्राफ है, इसमें 1 a, इसमें x2 है, x2 का a की 1 प्री इमेज है, b की 2, c की 4, d की 3, बढ़िया, e और f 2 है, इनकी प्री इमेज नहीं है, तो इसको हम कहेंगे not on to। नेक्स्ट में b की प्री इमेज 1 है, b की 2 है, c की 3 है, d की 4 है, तो यहाँ देखेंगे a और e f इनकी प्री इमेज नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, not on to। a की इमेज 1 और 2 है, b की 3, c की 4, यानी कि सारे के सारे 3 के एलिमेंट की प्री इमेज है, तो ये कहलाएगा on to। फोर्थ में देखेंगे a की इमेज 3, b की 1, c की 2, d की 4, तो सबकी प्री इमेज मिल रही है, तो हम उसको भी बोलेंगे on to फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन है कि कोई फंक्शन है f, x से y में डिफाइन कर रहा है, उसको हम 1.1 और on to बोलते हैं, तो उसको हम जब 1.1 और on to दोनों ही कहलाए, वो कोई फंक्शन है वो 1.1 और on to दोनों कहलाए, तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे दिया हमें कोई कि कोई सेट है ए, लेट ए है वो क्या है, कोई सेट है, सेट किस चीज का, 50 स्टूडेंट्स का है,
50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन ए स्कूल। जो सेट है वो 10th स्कूल, कोई स्कूल है उसमें 10th क्लास के 50 स्टूडेंट का है। और फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ सच दैट ए से एन, ठीक है, ए की वैल्यू तो 50 है, 1 से लेके ए की वैल्यू है कि 1 से लेके 50 तक, और एन है वो क्या है 1, 2, so on, 50, so on, ठीक है, आगे तक है। तो हमें बोला गया है कि जो फंक्शन है वो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स से डिफाइन किया गया, तो बताना है 1, 1 और ऑन 2 है, 1, 1 है क्या और ऑन 2 नहीं है, ये बताना है। तो हम लेके चलेंगे यहां पर, ले लेते हैं, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया एन, 1, 2, 3, so on, 50, so on, 1, 2, 3, so on, 50, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमने मान लिया पहले पहला जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर एक है, तो एक है, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू क्या आएगा 1, एफ ऑफ वन को हम क्या लिख लेते हैं y, तो जब 1 है तो 1 की इमेज क्या आएगी 1, 2 की 2, 3 की 3, 50 की 50, ठीक है। तो सबकी अलग अलग इमेज बन रही है तो इसको हम बोल देंगे 1, 1, ठीक है। दूसरे तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वन किसके बराबर है, ये एक्स के बराबर है, तो एक्स लिख देंगे एक्स वन और एक्स टू, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया 1, 1, और ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू चेक करने के लिए देखो 1 की प्री इमेज क्या है 1, 2 की प्री इमेज क्या है 2, 3 की प्री इमेज क्या है 3, 50 की प्री इमेज क्या है 50, बट 50 के बाद वाले नंबर को प्री इमेज नहीं है, तो हम बोल देंगे एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज नॉट प्री इमेज इन डोमेन। इसी के साथ हम ये भी लिख देंगे कि जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर आती है, बट यहां पर नहीं आ रही है, ठीक है। तो नहीं आ रही तो अब इसको क्या बोल देंगे, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन नहीं है, नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये डिपेंड करना था कि एफ है वो 1, 1 है बट ऑन टू नहीं है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कोई फंक्शन है एफ एन से एन में डिफाइन किया गया, एन क्या नेचुरल नंबर, तो वो क्या होता है 1, 2, 3, so on, ठीक है। साथ में बोला गया कैसे डिपेंड किया, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, हमें बताना कि वो फंक्शन जो है वो 1, 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। तो 1, 1 के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन 4, 1, 1, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स क्या था 2x, तो इसको एफ ऑफ एक्स वन की तरफ लिख देंगे 2x1 इज इक्वल टू 2x2, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x1 इज इक्वल टू x2। तो हमने ये कंडीशन पढ़ी थी एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हो तो हमें क्या मिलना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2, तो हम इसको बोलेंगे 1, 1 फंक्शन, गिवन फंक्शन है वो 1, 1 फंक्शन है, ठीक है। 1, 1 प्रूव हो गया। अब हम प्रूव करते हैं ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ले लिया हमने n, ये भी ले लिया हमने n, ठीक है। अब इसे 1, 2,
थ्री फोर फाइव सोन चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सोन, ठीक है। ये भी एन है, ये भी एन। फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है तो क्या कह सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू क्या होगी 1/2। जब x की y की वैल्यू हम 1 लेंगे तो x क्या आएगा 1/2, बट नेचुरल नंबर में तो 1/2 आता ही है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू n बट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, सो देयर इज एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज नॉट प्री इमेज इन डोमेन। इसी के साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, कोडोमेन के बराबर नहीं, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। हमें यही प्रूव करना था कि फंक्शन जो है वो 1/1 तो होगा बट ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें प्रूव करना है कि कोई फंक्शन है एफ आर से आर में डिफाइंड किया गया। आर क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है, नेगेटिव्स भी आते हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, ठीक है। और उसको डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x से, हमें शो करना है कि 1/1 है और ऑन टू है, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं एफ ऑफ एक्स 1 और ऑन टू के लिए, और 1/1 1/1 शो करने के लिए एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2, क्या गिवन है 2x, तो 2x 1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, तो क्या हो गया फंक्शन 1/1। ऑन टू के लिए हम प्रूव करेंगे लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेके चल रहे तो क्या हो जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू क्या होगी 1/2, ठीक है। रियल नंबर है, रियल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, ये रियल नंबर हो गया, ये भी आर हो गया, ठीक है। जब हम वाई की जगह 1 लेंगे तो एफ क्या आएगा 1/2 आएगी इसकी प्री इमेज, तो होती है रियल नंबर, ठीक है। जब हम वाई को 2 लेंगे तो क्या आएगी इमेज 1 आएगी, वाई को 3 लेंगे तो क्या आएगी 3/2, यानी सबकी प्री इमेज मिल रही है। तो लिख देंगे एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो एवरी एलिमेंट है कोडोमेन के, उनकी सबकी प्री इमेज है डोमेन में। साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि रेंज है वो किसके इक्वल है, कोडोमेन के। तो जब हमारा फंक्शन है वो क्या होगा ऑन टू, हमें एक प्रूव करना था कि फंक्शन है कि वो 1/1 और ऑन टू है, तो 1/1 हम पहले प्रूव कर चुके हैं और ऑन टू अभी कर दिया, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ में इसमें ग्राफ भी था, जब ये फंक्शन 1/1 और ऑन टू है तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन का बनेगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, x की जगह हम 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा एफ ऑफ 1 2 आएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पर बन जाएगा, ऐसे 3 करेंगे 3 यहाँ, 4 यहाँ, ठीक है। ऐसे माइनस की तरफ चलेंगे यहाँ आएगा, तो ये हमारे जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शो करना है फंक्शन है एन से एन की तरफ
गिवन कैसे है, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन टू। ठीक है, तो हमें बताना है कि फंक्शन ऑन टू तो है बट वन वन नहीं है, तो हम लेके चलेंगे पहले वन वन के लिए फोर वन वन, वन वन के लिए करेंगे, वन वन के लिए क्या करेंगे हम वन और माइनस वन दोनों बिलोंग कर रहे हैं, सॉरी वन और टू दोनों किसमें बिलोंग करते हैं एन में। ठीक है, तो हम लेके चल रहे हैं वन इज नॉट इक्वल टू टू, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू क्या आ रहा है वन, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू क्या आ रहा है वन, तो इसे क्या पता चल रहा है एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू, बट वी नो डैट इफ एक्स वन इज इक्वल इज नॉट इक्वल टू एक्स टू दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, ये कंडीशन हमें पता है कि एक्स वन जब एक्स टू के बराबर नहीं होगा तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू भी बराबर नहीं होंगे, बट यहाँ पर क्या आ रहा है एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू दोनों बराबर आ रहे हैं, तो जो हमारा फंक्शन है हम लिख देंगे सो गिवन फंक्शन इज नॉट वन वन। ठीक है, ऑन टू के लिए हम लेके चलेंगे, ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम एफ ऑफ एक्स को हम लेट कर लेते हैं वाई के बराबर, तो क्या आएगा डेट इज वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई प्लस वन। ठीक है, नेचुरल नंबर है वन टू थ्री फोर सोन चलेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सोन, ये भी एन है और ये भी एन है। ठीक है, जब हम y की जगह 1 लेंगे तो x क्या आएगा 2, y की जगह 2 लेंगे तो x की वैल्यू 3, y की जगह 3 तो x 4, 4 लेंगे तो 5, यानी कि सबकी प्री इमेज चल रही है, तो हम बोल सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन। जब प्री इमेज और कोडोमेन की सारी प्री इमेज मिल रही है तो क्या कह सकते हैं हम रेंज है वो कोडोमेन के बराबर आ गया, जब रेंज कोडोमेन के बराबर तो कह सकते हैं फंक्शन इज ऑन टू। हमें ये प्रूव करना था कि जो गिवन फंक्शन है वो ऑन टू तो है बट वन वन नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब है हमारे पास एक्सरसाइज की क्वेश्चन। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि शो करना है एज जो फंक्शन दे रखा है आर से आर वो डिफाइंड हो रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स वो वन वन ऑन टू है, जहां पर आर जो है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर है, जो सेट है वो नॉन जीरो रियल नंबर है। ठीक है, हम पहले लेके चलते हैं एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, वन वन प्रूव करने के लिए हम यही लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वन क्या है वन अपॉन में एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू वन अपॉन में एक्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो यही हो गया एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू लिख चले थे और आया हमारे पास क्या एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो फंक्शन क्या हो गया फंक्शन इज वन वन। ठीक है, अब हम ऑन टू के लिए लेके चलेंगे लेट कर लेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई डेट इज वाई इज इक्वल टू वन बाय एक्स एक्स इज इक्वल टू वन बाय वाई। ठीक है, अब हम देखेंगे ये रियल नंबर है आर, ये भी रियल नंबर है आर, जब हम वन लेके चल रहे हैं माइनस वन लगा लो माइनस वन लेके चल रहे हैं तो क्या आएगा माइनस वन रियल नंबर होता है, वन लेके चल रहे हैं तो क्या आएगा वन ये भी होता है, टू लेके चल रहे हैं तो क्या आएगा वन बाय टू ये भी रियल नंबर में होता है, थ्री लेके चल रहे हैं तो क्या आएगा वन बाय थ्री, यानी कि हर एलिमेंट की डोमेन के हर एलिमेंट की क्या हो रही है प्री इमेज हो रही है, तो हम लिख सकते हैं
एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन। इसी के साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि जो रेंज है वो किसके बराबर आ गई, कोडोमेन के। सो फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। इसे पहले यही पूछा गया था कि जो ये फंक्शन है आर से आर में, ये वन वन और ऑन टू है, ये शो करना है, ठीक है। अब इसके दूसरे पार्ट में पूछा गया कि अगर हम जो ये फंक्शन आर लेके चल रहे डोमेन में, इसको हम रिप्लेस कर दे एन से और कोडोमेन में वही आर रहने दे, तो क्या आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो हम ले लेते हैं फंक्शन है एफ सच दैट एन से आर, और एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया गया है कैसे, वन बाय एक्स से, ठीक है, फॉर वन वन। वन वन के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेके चलेंगे तो क्या आएगा, वन बाय एक्स वन इज इक्वल टू वन बाय एक्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो हम एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेके चले थे, आया कि हमारा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो जो गिवन फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, सो फंक्शन इज वन वन, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है वो वन वन हो जाएगा। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो वन बाय वाई। अब यहां पर देखो एन क्या होता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कैसे होता है, वन टू थ्री फोर सो ऑन। इधर होते हैं रियल नंबर, रियल नंबर भी ले लेते हैं, माइनस वन ले लेते हैं, माइनस टू ले लेते हैं, माइनस वन जीरो वन टू थ्री, ठीक है। नॉन जीरो बोला था तो जीरो नहीं आएगा, ठीक है, ये ले लिए हमें। वन लेंगे तो क्या आएगा, वन, तो वन की इमेज वन। टू लेंगे तो क्या आएगा, टू की इमेज वन बाय टू, लेकिन नेचुरल नंबर में क्या होता है, टू नहीं, वन बाय टू नहीं आता। तो हम लिख देंगे ना, देयर एग्जिस्ट टू बिलोंग्स टू आर बट वन बाय टू डज नॉट बिलोंग्स टू एन, सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ प्री इमेज ऑफ कोडोमेन, सॉरी एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज नॉट प्री इमेज इन डोमेन। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि रेंज जो है वो डोमेन कोडोमेन के बराबर नहीं है, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो क्या हो गया, गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। ये पूछा था कि जब हम इसको एन से रिप्लेस कर देंगे डोमेन को तो क्या रिजल्ट आएगा, तो क्या हुआ, फंक्शन जो है वो वन वन तो है बट ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, ये जो गिवन दे रखा है फंक्शन। इंजेक्टिव क्या होते हैं, वन वन, और सर्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑन टू, ठीक है। तो हम पहला पार्ट ले रहे हैं, पहले में क्या बोला है, फंक्शन है वो एन से एन डिफाइन किया गया और कैसे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले हम लेके चलेंगे फोर वन वन, एन क्या होता है, नेचुरल नंबर, वन टू थ्री ऐसे चलता है, ठीक है। तो हम ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो फंक्शन क्या होगा वन वन, फंक्शन इज वन वन, फंक्शन वन वन है तो फंक्शन इज क्या हो जाएगा इंजेक्टिव, अब ऑन टू के लिए लेके चलेंगे फोर ऑन टू, लेट कर लिया लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से रूट वाई, यहां पर देखो हम ले रहे एन, एन क्या होता है वन टू थ्री फोर, इधर भी एन वन टू थ्री फोर, जब वाई की वैल्यू वन लेंगे तो क्या आएगा एक्स की वैल्यू वन, टू लेंगे तो रूट टू आता है, तो हम लिख देंगे देयर एग्जिस्ट टू बिलोंग्स टू एन बट रूट टू डज नॉट बिलोंग्स टू एन, सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट एग्जिस्ट इन डोमेन, हम ये भी लिख सकते हैं कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो फंक्शन जो है वो क्या होगा फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है जो ऑन टू नहीं है तो सब्जेक्टिव भी नहीं होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है कि फंक्शन है वो जेड से जेड यानी कि इंटीरियर से इंटीरियर में डिफाइन किया गया है और वही है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है तो हम ले लेते हैं इंटीजर के कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं माइनस वन और वन बिलोंग कर रहे हैं जेड में, ठीक है तो माइनस वन और वन दोनों इक्वल भी नहीं होते, हम ले रहे हैं एफ ऑफ माइनस वन इसके बराबर है माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एफ ऑफ वन वो भी वन के बराबर है तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, बट we know that if x1 is not equal to x2 then implies f of x1 is not equal to f of x2, but hamara kya aa raha hai f of x1 aur f of x2 equal aa rahe hai, so given function is नॉट वन वन, वन वन नहीं है तो इंजेक्टिव भी नहीं है, नो इंजेक्टिव फंक्शन, अब हम ऑन टू के लिए चेक करेंगे, ऑन टू के लिए फिर से हम लेट कर लेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे x की वैल्यू आई रूट वाई, ये z है ये भी z है, ठीक है जब हम y की वैल्यू माइनस टू पुट करते हैं तो क्या आएगा माइनस आएगा तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम लिख देते हैं या फिर पॉजिटिव टू ले लो वो भी एग्जिस्ट नहीं करता रूट टू, तो हम लिख देते हैं देयर एग्जिस्ट टू belongs to z but root 2 does not belongs to z, so every element of codomain does not exist sorry has not प्रीमेज इन डोमेन, प्रीमेज नहीं है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, साथ में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शन इज
नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं तो फिर ये सब्जेक्टिव भी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हम चलेंगे नेक्स्ट फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है। तो हम लेके चल रहे हैं एफ ऑफ एक्स वन वन के लिए एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है। हम लेके चल रहे हैं रियल नंबर के कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं हम माइनस टू और टू, नहीं माइनस टू और वन ले लेते हैं, माइनस टू और वन ले लिया हमने, माइनस टू माइनस टू और टू ले लेते हैं हम, ठीक है। बिलोंग कर रहे रियल नंबर में माइनस टू और टू दोनों इक्वल भी नहीं है, बट एफ ऑफ माइनस टू किसके बराबर आएगा, फोर के बराबर, और एफ ऑफ टू वो भी फोर के बराबर आता है, ठीक है। तो इसे क्या मिल रहा है कि एक्स वन और एक्स टू दोनों बराबर नहीं है, बट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, तो ये कंडीशन रॉन्ग है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज नॉट वन वन, वन वन नहीं है तो फंक्शन इंजेक्टिव भी नहीं होगा। ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए हम लेट कर लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या आएगी रूट वाई, ये हमारा रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। जब वाई की वैल्यू टू होगी तो यहाँ पर रूट टू, ये रियल नंबर है, नहीं है रियल नंबर, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि टू बिलोंग्स टू आर बट रूट टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट एग्जिस्ट, does not, sorry, have not pre-image in domain, pre-image नहीं होगी तो function क्या होगा, onto भी नहीं होगा, function is not onto, function onto नहीं होगा तो क्या होगा, subjective भी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह बाकी के दो पार्ट्स भी सेम ऐसे ही हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई शो करना है मॉडुलो फंक्शन है x r से r की तरफ, f of x है वो x मोड की तरफ है, हमें बोला है कि हमें शो करना है कि ना तो वो वन वन होगा ना ही ऑन टू होगा, ठीक है। x मोड पॉजिटिव कब होगा, जब वो x पॉजिटिव होगा और जीरो होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब एक्स नेगेटिव होगा, यानी कि एक्स मोड को हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और नेगेटिव एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। हम लेके चल रहे हैं माइनस वन और वन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस वन और वन लेंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस वन इज नॉट इक्वल टू वन, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस वन, माइनस वन क्या है जैसे छोटा है तो क्या आएगा माइनस वन, एफ ऑफ वन क्या है वन आएगा, तो क्या मिल रहा है एफ ऑफ माइनस वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वन, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है, वन वन हो रहा है, बट हमें शो क्या करना है, नाइदर वन वन नॉर नॉर ऑन टू, तो हम लेके चलते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, एक्स वन का मोड इज इक्वल टू एक्स टू का मोड,
फंक्शन होगा वो क्या होगा, नॉट वन वन। ऑन टू के लिए लेके चलेंगे, ऑन टू के लिए क्या होगा, जो रियल नंबर है माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, ठीक है। रियल नंबर में वन अपॉन टू भी आता है, थ्री अपॉन टू भी आता है, बट इमेज किसकी मिलेगी, माइनस इनकी, माइनस टू माइनस वन जीरो वन, बट इनकी इमेज मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है। तो क्या होगा फंक्शन हमारा, फंक्शन इज एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज नॉट प्री इमेज इन डोमेन, सो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन क्या होगा, नॉट ऑन टू, ठीक है। यही प्रूव करना था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिग्नम फंक्शन दे दिया एफ आर से आर, और एफ ऑफ एक्स है वो डिफाइन कर रहा है ऐसे, ठीक है। हम ले लेते हैं माइनस वन और वन, दो एलिमेंट है आर के, तो हम एफ ऑफ माइनस वन लेके चलते हैं। जब नेगेटिव में हो तो क्या आएगा, वन, तो ये वन के बराबर, और पॉजिटिव में हो तब भी वन के बराबर। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, माइनस वन वन तो इक्वल है नहीं, बट एफ ऑफ माइनस वन और एफ ऑफ वन इक्वल आ रहे हैं। तो हमारे को हमारी जो कंडीशन होती है कि एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू, वो यहाँ पर क्या हो रही है, रॉन्ग हो रही है, तो गलत हो रही है। तो हमारी क्या आएगा, जो गिवन फंक्शन है वो गिवन फंक्शन इज नॉट वन वन, गिवन फंक्शन क्या होगा, वन वन नहीं होगा, ठीक है। अब ऑन टू के लिए चलेंगे, ऑन टू के लिए चलेंगे तो रियल नंबर में क्या होता है, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू सोन, ये भी होते हैं, वन टू माइनस का टू माइनस वन माइनस, सॉरी सोन, माइनस का टू माइनस का वन जीरो वन टू सोन, ठीक है। तो वन की प्री इमेज क्या होगी, माइनस टू की इमेज क्या होगी, वन, जीरो की इमेज जीरो, माइनस वन की इमेज वन, वन की इमेज वन, टू की इमेज वन, यानी सबकी इमेज क्या हो रही है, वन जीरो, ठीक है। यही दो इमेज बन रही है, यानी कि जीरो और वन की ही प्री इमेज है, बाकी किसी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है। तो हम ले सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज नोड प्री इमेज इन डोमेन। जब कोडोमेन की सारी एलिमेंट्स की इमेज डोमेन में नहीं है तो हम लिख सकते हैं रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो फंक्शन जो दे रखा है वो क्या होगा, नॉन टू नहीं होगा, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें लेट कर रखा है ए है वन टू थ्री है, बी है फोर फाइव सिक्स सेवन, और फंक्शन है वो दे रखा है। हमें ये शो करना है जो ये फंक्शन है ए से बी का वो वन वन है, ठीक है। ये हमारे पास ए दे दिया वन टू थ्री, ये हमारे पास बी है फोर फाइव सिक्स सेवन। अब यहाँ पर देखो मैपिंग वन की फोर से हो रही है, वन की फोर से, टू की फाइव से, टू की फाइव से, थ्री की सिक्स से, थ्री की सिक्स से, ठीक है। तो सबकी अलग अलग इमेज बन रही है, तो हम कह सकते हैं कि सब सबकी अलग अलग इमेज है, तो ये क्या फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज वन वन, ठीक है।
हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला है कि जो नीचे फंक्शंस दिए गए हैं वो वन वन और टू और बाइजेक्टिव है या नहीं, ये जो केस दिए हुए हैं। हम पहला पार्ट लेते हैं जिसमें f फंक्शन है r से r की तरफ और डिफाइन किया है 3 माइनस 4 एक्स के जैसे, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं 4 1 1 के लिए, 4 1 1 f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 3 माइनस 4 एक्स वन इज इक्वल टू 3 माइनस 4 एक्स टू, दोनों तरफ माइनस 3 कर देंगे, प्लस 3 माइनस का 4 एक्स वन इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस 3 माइनस का 4 एक्स टू, इस 3 से ये 3 कैंसिल, माइनस का 4 एक्स वन इज इक्वल टू माइनस का 4 एक्स टू, दोनों तरफ माइनस का 4 एक्स से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा क्या एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। हम लेके चले थे f of x1 is equal to f of x2, मिला क्या x1 is equal to x2, तो so given function is 1 1, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, onto के लिए और 4 onto let कर लेते हैं, let f of x is equal to y, f of x is equal to y करो तो हमारे पास क्या आया, y is equal to 3 minus 4x, x की वैल्यू क्या है 3 minus y by 4, ठीक है। अब इधर देखो ये हमारा r है, ये भी हमारा r है, जब हम y की जगह 1 लेते हैं तो क्या आएगा, y की जगह जब हमने 1 लिया तो क्या आया 2 by 5, 1 by 2, तो ये भी रियल नंबर है। जब हमने 2 लिया तो क्या आया 1 by 4, ये भी हमारी इमेज है। 0 लिया तो क्या आया 3 by 4, ये भी हमारी इमेज है। माइनस 1 लिया तो क्या आया 1, ये भी हमारा रियल नंबर है। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन has pre-image in domain, yani codomain के प्रत्येक element की pre-image मिल रही है domain में, तो हम इसको लिख सकते हैं range is equal to codomain, range codomain के equal है, तो हम कह सकते हैं कि जो function है वो क्या है onto है। सेम इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, और वन वन प्रूव करेंगे इसमें, पहले वन वन के लिए हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, वन प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वेयर, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स वन स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वेयर, क्या मिलेगा हमें एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। हम लेके चले थे एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, तो मिला क्या एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। सो गिवन फंक्शन इज वन वन, ऑन टू के लिए करेंगे हम फोर ऑन टू, लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दैट इज y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वेयर, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से वन माइनस y माइनस वन करो, ये हमारा रियल है, ये भी रियल है। जब हम y वन लेंगे तो क्या आएगा जीरो, तो ये इसकी प्री इमेज हो गई। जब y टू लेंगे तो क्या आएगा, y2 लेंगे तो क्या है इसकी इमेज 1, ये भी प्री इमेज होगी। बट जब माइनस 1 लेंगे तो क्या आएगा माइनस 2 का रूट, ठीक है। बट ये हमारी ये रियल नंबर नहीं होता, तो हम लिख सकते हैं माइनस 1 बिलोंग्स टू r, बट माइनस का 2 रूट डज नॉट बिलोंग्स टू r।
not premise in domain. जब कोडोमेन हर एलिमेंट का प्री इमेज नहीं मिल रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं तो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू नहीं होगा. फंक्शन इज नॉट ऑन टू. हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट है, कोई दो सेट है ए और बी, लेट कर लिया और फंक्शन है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए की तरफ और शो कैसे है वो ए बी इक्वल टू बी है. हमें प्रूव करना है कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन. बाइजेक्टिव का मतलब वन वन और ऑन टू दोनों. ठीक है, तो हम लेके चल रहे हैं एफ ओ वन ए बी इज इक्वल टू एफ टू ए बी. तो क्या आया, सॉरी एफ ऑफ ए वन बी वन एफ ऑफ हम लेके चल रहे एफ ऑफ ए वन बी वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टू बी टू. तो क्या मिला, बी वन कोमा ए वन इज इक्वल टू बी टू कोमा ए टू. यहां से हम लिख सकते हैं B1 है वो B2 के बराबर है और A1 है वो A2 के बराबर है. तो क्या हो गया फंक्शन, फंक्शन इज 1 1. ऑन टू के लिए चलेंगे. ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, हम एफ ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू बी कोमा ए. ठीक है, ये ए क्रॉस बी यानी कि ए क्रॉस बी, इधर है बी क्रॉस ए. ठीक है, अब हम बी की जगह सी लेते हैं और ए की जगह ए लेते हैं सी ए. तो इधर भी मिलेगा ए सी यानी कि इसकी इमेज. बी की जगह हम डी ले लेते हैं और ए की जगह बी ले लेते हैं. इधर भी मिलेगा बी डी, यानी कि हर एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है. हम लिख सकते हैं every element of codomain has pre-image in domain. ये प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री-इमेज है. सो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन की इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा ऑन टू. तो फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है. तो फंक्शन वन वन और ऑन टू तो क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि फंक्शन है एन से एन, एन है नेचुरल नंबर और डिफाइन किया गया है कैसे, एफ ऑफ एन एन प्लस वन बाय टू एन जब ओड हो और n by 2 जब n even हो. हमें बताना है कि ये bijective है. ठीक है, तो हम लेके चलते हैं. हमने ले लिए दो कोई नंबर ले लिए f of x1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू. ठीक है, ये कोई दो नंबर लिया हमने, मान ली एक्स वन की वैल्यू है 2 और एक्स वन एक्स टू की वैल्यू है 4. ठीक है, पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 अपॉन में 2 सॉरी
n1 is equal to n2, हम लेके चले थे f of x1 is equal to f of x2, तो हमें क्या मिला x1 is equal to x2, तो फंक्शन क्या होगा 1 1 ऑन टू के लिए लेके चलेंगे ये n ये भी n है, जब हम 1 लेके चल रहे हैं तो 1 1 क्या है ओड है तो इधर पुट करेंगे n plus 1 by 2, 1 plus 1 upon 2 क्या आएगा 1, 1 की इमेज क्या आई 1, e1 लेके चल रहे हैं 2, 2 की भी क्या आएगी इमेज 1, 3 की लेके चल रहे हैं 3 plus 1 4 by 2 यानी कि 2, मतलब सबकी इमेज मिल रही है, फ्री इमेज मिल रही है, तो हम लिख देंगे एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज फ्री इमेज इन डोमेन, तो फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी, तो क्या कहलाएगा बायजेक्टिव फंक्शन। हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट है कि हमें चूज करना करेक्ट आंसर, तो एफ है आर से आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की फोर, ठीक है आर से हमने ले लिया माइनस वन और वन को दो एलिमेंट ले लिए, ठीक है दो एलिमेंट ले लिए, तो एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू क्या है वन और एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है वन, बट माइनस वन और वन तो इक्वल है नहीं और ये दोनों इक्वल है तो हमारा जो फंक्शन होगा वो वन वन नहीं होगा, पहला क्या है वन वन दे रखा तो गलत, सेकंड मैनी वन दे रखा ये भी गलत, थर्ड वन वन दे रखा ये भी गलत, तो आंसर क्या आएगा फोर, ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, फंक्शन दे रखा है आर से आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स, चूज करना करेक्ट आंसर, लेके चलते हैं एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, थ्री एक्स वन इज इक्वल टू थ्री एक्स टू, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया, यानी कि फंक्शन क्या है वन वन है, ऑन टू के लिए करेंगे, ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम आर से आर है वाई इज इक्वल वाई मान लेते हैं एफ एक्स की जगह, तो वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी वाई बाय थ्री, जब हम वाई को वन पुट करेंगे तो क्या आएगा वन बाय थ्री, ये भी रियल नंबर होता है, टू पुट करेंगे तो टू बाय थ्री, यानी सबकी फ्री इमेज मिल रही है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन क्या है वन वन और ऑन टू। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है।